सर्वनाथ विष्णु जीवे शिवास्मे समागते दंडने कृतांडे वक्तव्यमेवं मधुरं सुभाष्यं गोविन्ददानो नरमाधवे स्वस्ति श्रीगणेशाय सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः साकार भगवान को दया आती है।
साकार भगवान आनंद देते हैं, निराकार तो निष्क्रिय होता है, निराकार को कोई क्रिया नहीं है, निराकार के साथ प्रेम नहीं होता, निराकार का बुद्धि से अनुभव किया जाता है। श्री कृष्ण के श्रीअंग में केवल आनंद ही भरा हुआ है। आप दर्शन करो, आपके मन में कदा जैसा भाव होगा, मेरा जैसा शरीर है वैसे ही भगवान, मानव के शरीर में और भगवान के स्वरूप में बहुत अंतर है। मानव का जो शरीर है वो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार उसको मिला है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भगवान स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। भक्तों की इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। मानव का जन्म कर्म और वासना के अनुसार होता है। मानव के शरीर में मलमूत्र है, रुधिर है, हड्डी है। भगवान के श्रीअंग में मलमूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। भगवान का श्रीअंग केवल आनंदमय है। भगवान के नख का किसी को दर्शन होवे तो भी आनंद मिले। भगवान का श्रीअंग केवल आनंद से ही भरा है। भगवान के आंख में आनंद, भगवान के केश में आनंद, शक्कर से बना हुआ जो खिलौना है उसमें शक्कर ही है। आकार कैसा भी दिखता हो, शक्कर के खिलौने में शक्कर के बिना दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान के श्रीअंग में केवल आनंद भरा। अलौकिक सिद्धांत समझाने के लिए अलौकिक कोई दृष्टांत मिलता नहीं है, लौकिक सिद्धांत अलौकिक दृष्टांत से संत अलौकिक सिद्धांत समझाते। व्यास महर्षि का ब्रह्म सूत्र है, आनंदमयोभ्यासात आनंदमय आनंद प्रचुर प्राचुर्यार्थे मयट। बहुत से ऋषियों ने ऐसा माना है भगवान में आनंद है। जो ऋषि ऐसा मानते हैं भगवान में आनंद है, उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व हो जाते हैं। व्यास नारायण का सिद्धांत है आनंद ही ईश्वर है। आनंद ईश्वर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व के नाम अनेक। आपको संसार में सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। सुख के पीछे दुख खड़ा ही है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो भोगने के बाद दुख आता न हो। सुख और दुख दोनों साथ में ही रहते हैं। जीवात्मा को सुख की भूख नहीं है, आनंद की भूख। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद दुख नहीं आता है। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है वहां आनंद है। संसार सुख दुख से भरा हुआ है। जहां संसार नहीं है वहां आनंद है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है। जब तक मानव को देह का स्मरण है, देह भान है, तब तक दुख है। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसके पीछे दुख है। जिसको देह का भान है उसको काम त्रास देने के लिए जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो आपको कभी याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। देह से जो अलग होता है,
देह का संबंध जब छूटता है तब जीव का परमात्मा के साथ संबंध होता है। भगवान आपको आनंद देंगे, संसार में सुख मिलेगा, दुख भोगना नहीं पड़ेगा। संसार में सभी को दुख भोगना पड़ता है, राजा होवे के रंग को होवे, जो संसार में आया है वो दुख भोगने के लिए ही आया। कोई जीव ऐसा नहीं है जो केवल पुण्य लेकर के आया हो, पुण्य और पाप दो लेकर के जीव जगत में आता है। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। इच्छा होवे के न होवे दुख भोगना ही पड़ता है। राजा को भी दुख है, रंक को भी दुख है, श्रीमान लोग सुख तो भोगते हैं, उनका मन अशांत रहता है। बहुत से श्रीमान लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज मन शांत नहीं है, मन बहुत चंचल है, कि भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है, दो बंगले हैं, दो गाड़ी है, बहुत सुख है, काहे को उधर जलाते हो, आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप बहुत सुखी हो, कि महाराज आपको ऐसा लगता है मैं सुखी हूँ, मैं अंदर से बहुत दुखी। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता। संबंधी लोग अच्छे नहीं मिले, मेरी कन्या को बहुत प्रयास है, ऐसा कुछ हो जावे, इनका कुछ हो जावे तो फिर मैं सुखी हो जाऊं। श्रीमान को सुख मिलता है, दुख का अंत नहीं है। दुख का अंत परमात्मा का जिसको अनुभव होता है। सभी को जन्म और मरण का दुख भोगना ही पड़ता है। मरण के समय में अति दुख होता है, जन्म महा दुख है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, माँ को जो दुख होता है उससे हजार गुना दुख जो जीव माँ के पेट में से बाहर आता उसको हजार गुना दुख होता है। जन्म का महा दुख है, सभी को भोगना पड़ता है। मरण महा दुख है। शास्त्रों में वर्णन आया है, हजार बिच्छू एक समय में काटते हैं तब जैसा दुख होता है वैसा दुख शरीर छोड़ने के समय में जीव को होता है। एक बिच्छू काटता है तो कैसी वेदना होती है सभी लोग जानते हैं, हजार बिच्छू एक समय में दबुस। मन महा दुख है, संसार में संयोग वियोग का महान दुख है। जिसके संयोग में आपको सुख मिलता है उसका वियोग होने वाला है। पति पत्नी के मिलन में सुख है, ठीक है, जब वियोग होगा तब दुख भी होने वाला है। संयोग में जितना सुख है वियोग में ज्यादा दुख है। जीव का जगत के साथ संयोग सच्चा नहीं है, जीव का ईश्वर के साथ ही संयोग सच्चा है। जीव जब भगवान को मिलता है तो कभी भगवान का वियोग नहीं होता। जीव है बिंदु और भगवान है सिंधु। बिंदु सिंधु में मिल जावे तो सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण ने ऐसा सुना था, समुद्र में से लक्ष्मी जी बाहर आई है, समुद्र देव की पूजा करने से बहुत संपत्ति मिलती है। ब्राह्मण ने समुद्र देव की पूजा करने का नियम लिया, घर से लोटा भर करके जल दे जाता है, समुद्र देव को अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, फल अर्पण करता है, साष्टांग प्रणाम करता है। बहुत दिन समुद्र देव की पूजा की, एक बार समुद्र देव प्रसन्न हो गए और समुद्र देव ने ब्राह्मण को कहा, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, तेरे को जो मांगना हो सो मांग ले। तो ब्राह्मण ने मांगा है, मेरे घर से लोटा भर करके जल में जो ले आया, मेरे घर का जल जो मैंने आपको अर्पण किया है वही जल आप में से निकाल करके मेरे को दे दो। समुद्र देव ने कहा, यह तो अशक्य है, तुम्हारे घर का जल जो तुमने मेरे को अर्पण किया वो मेरे में मिल गया है, मेरा जल तू दो चार घड़े ले जा। ब्राह्मण ने कहा, आपका जल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे घर से लोटा भर करके जल में जो लाया था, मेरे घर का जो जल आपको मैंने अर्पण किया है वही जल आप में से निकाल करके मेरे को दे दो। समुद्र देव ने कहा, तो अशक्य है,
तुम्हारे घर का जल तुमने जो मेरे को अर्पण किया वो मेरे में मिल गया, उसको मैं भी अलग नहीं कर सकता। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु सिंधु में मिल जावे तो सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता। जीव अंश है, भगवान अंशी है। एक बार जो जीव भगवान को मिलता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता। संसार का संयोग वियोग के लिए ही होता है। संसार में संयोग वियोग का दुख है, संसार में जन्म मरण का दुख है। बहुत सुख भोगने पर भी दुख का अंत नहीं आता है। दुख की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन में होती है, जिसको भगवान का अनुभव हुआ है। आनंद ही भगवान है। नंद शब्द का अर्थ होता है जो सभी को आनंद देता है उसको नंद कहते हैं। मधुर वाणी, विनय, सरल स्वभाव, उदार का, सभी सद्गुणों से जो दूसरे को आनंद देता है उसके घर में परमानंद आता है। वह जो असी बोले हैं नंद के आनंद भयो है। नंद बाबा आज तक हमको आनंद देते थे। छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। नंद जी का सब के साथ प्रेम है। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी के यहां झगड़ा न हो। नंद बाबा सभी को आनंद देते थे। नंद जी को सभी के आशीर्वाद मिले थे। जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं उसके घर में सर्वेश्वर आते हैं। आप दूसरे को क्या देते हो? जो आप दूसरे को देते हो वही आपको मिलने वाला है। जो दूसरे को सुख देता है उसके घर में कभी दुख नहीं आता। जो दूसरे को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं होता। आपको जिसकी बहुत जरूरत है, आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरे को दे दो। आपके साथ कोई कपट करे आपको अच्छा नहीं लगता है, आप किसी के भी साथ कपट न करो। आपकी कोई निंदा करता है तो आपको दुख होता है, आप किसी की निंदा न करो। ये कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलने वाला है। करेला के बीज जो होता है उसको आम नहीं मिलता। कर्म भूमि में जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला। दूसरों को सुख दो, आपके घर में कभी दुख आएगा नहीं। मैं सुख भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी इच्छा रखने वाला सुखी नहीं होता। दूसरे को सुखी करने की जो इच्छा रखता है वो दुखी नहीं होता। एक कर्म भूमि है, सभी को सुख देना बड़ा कठिन है। मेरे से किसी को दुख न हो, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना बड़ा कठिन है। सबका आशीर्वाद भले न मिले, किसी का शाप न लगे। नंद बाबा को गोकुल के सभी ब्रजवासी आशीर्वाद देते थे। नंद बाबा का सभी के साथ प्रेम था। प्रेम करना है तो सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके कोई अपेक्षा रखना नहीं, शुद्ध भाव से प्रेम करो। अपेक्षा में से अशांति का जन्म होता है। कुछ लेने की इच्छा है वह नहीं मिलता है तब मन अशांत हो जाए। आपके हृदय में भगवान है, जो जगत के मालिक है, जो लक्ष्मी के पति है। थोड़ी अंदर नजर करो, भगवान आपके साथ है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कथा में उनको अच्छी जगह न मिले तो 5-10 मिनट उनको दुख होता है, हृदय जलत है, मेरे को अच्छी जगह नहीं मिली। अशांति का जन्म अपेक्षा में से होता है।
कुछ अपेक्षा है, वो अपेक्षा न मिलने पर मन अशांत होता है। भगवान मेरे साथ में, जो लक्ष्मी के पति है, बाहर नजर क्यों करते हो, छोड़ी अंदर नजर, कोई अपेक्षा रखना नहीं, निरपेक्ष होकर के दूसरे के साथ प्रेम कर। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। अब कृष्ण लीला का आरंभ होता है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप। ज्ञान मार्ग में सभी का त्याग है और भक्ति मार्ग में सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके प्रेम करना। सबका त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है। प्रायः शंकर भगवान गांव के बाहर श्मशान में भी आते थे। जगत को जिसकी जरूरत है शिव उसका त्याग करते हैं। जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपनाते हैं। सर्प से सभी लोग दूर लेते हैं। सर्प से सभी को भय रखता है, सभी सर्प का त्याग करते हैं। शंकर भगवान सर्पों का ही श्रृंगार करते हैं। उनके हाथ में सर्प है, उनके गले में सर्प है। जिसको जगत की जरूरत है, जिसकी जगत को जरूरत है, वो मेरे को नहीं चाहिए। शिवजी महाराज सभी का त्याग करते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत दुख रूप है, चेतन परमात्मा आनंद स्वरूप है, सबको छोड़ दो। बड़ा कठिन है। एक साधारण वस्तु को भी मानव नहीं छोड़ सकता है। कितने लोगों को कथा में बैठने के बाद याद आता है, तिजोरी खोली थी, ताला बंद किया, जैसे ही रह गया। कथा सुनते हैं और घर का भी स्मरण होता है। मन से मानव त्याग नहीं करता है। ज्ञान मार्ग में सभी का त्याग है। भगवान के बिना सभी तुच्छ है, भगवान के बिना सभी दुख रूप है, भगवान के बिना सभी मिथ्या है। ज्ञानी पुरुष सब का त्याग करके एक ही परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं। सबका त्याग करना कठिन है। भक्ति मार्ग में सभी के साथ प्रेम करना, जो दिखता है वो भगवान का स्वरूप है, उसके साथ प्रेम कर। ज्ञानी पुरुष जो दिखता है वो दुख रूप है, ऐसा समझ करके सबका त्याग कर देते हैं। एक संत को पूछा कि महाराज मैं किसका ध्यान करूं? संत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा आंख से जो दिखता है उसका कभी ध्यान करना नहीं, आंख को देखने की शक्ति जिसने दी है उसका ध्यान कर। आंख को जो दिखता है वो क्षण क्षण में बदलता है। आंख को जो दिखता है वो दुख रूप है। आंख को देखने की शक्ति देने वाले परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में दृश्य दुख रूप है, दृष्टा ही सत्य है। ज्ञानी पुरुष दृश्य में से दृष्टि को हटा करके दृष्टा में दृष्टि स्थिर करते। दृश्य जड़ है, आंख को देखने की शक्ति देने वाले चेतन परमात्मा है। बड़ा कठिन है। वैराग्य हो गए तो ही ज्ञान में सिद्धि मिलती है। ज्ञान मार्ग में सबका त्याग करना पड़ता है। भक्ति करना भी बड़ा कठिन है। भक्ति का अर्थ प्रेम है। जो दिखता है वो भगवान का स्वरूप है। शुद्ध भाव से प्रेम करो। ज्ञानी सबका त्याग करते हैं और भक्त सभी को भगवान का स्वरूप समझते हैं। भगवान के लिए फल काटते हैं, भगवान को अर्पण करना। उन्होंने विचार किया इस छिलके में भी अंश रूप से भगवान है। उनको उठा करके उससे गाय माता को अर्पण की। गाय में भगवान है और छिलके में भी अंश रूप से भगवान है। ज्ञानी सबका त्याग करता है और भक्त सभी में परमात्मा का अंश देखता है और सभी को परमात्मा का स्वरूप समझ करके व्यवहार करता है। हमारे लिए भक्ति मार्ग ही अच्छा। विरक्त साधुओं के लिए ज्ञान मार्ग है। संसारी जीव के लिए ज्ञान मार्ग सफल नहीं होता है। प्रेम करना है सभी को भगवान का अंश रूप समझ। शुद्ध भाव से प्रेम कर।
श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। अब कृष्ण कथा का आरंभ होता है, पूतना श्री कृष्ण को विष देती है। विष देने वाले के साथ कोई प्रेम करता है? विष देने वाली पूतना के साथ श्री कृष्ण ने प्रेम किया। शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण भगवान को गाली देता है, गाली देने वाले शिशुपाल के साथ प्रेम किया। सभा में भगवान की निंदा करता है, भगवान शांति से सहन करते हैं। जो ईश्वर है, जो निर्दोष है, जो सर्वशक्तिमान है, वह भी सहन करते हैं। शिशुपाल का भगवान ने क्या बिगाड़ा था? सभा में गाली देता है। भगवान जगत को समझाते, मैं सहन करता हूं, आप भी सहन करो। ये संसार ऐसा है, संसार में भगवान आवे तो कितने जीव भगवान की भी निंदा करते। सभी लोग मेरे लिए अच्छा बोले, मेरी कोई निंदा न करे, ऐसी जिसको इच्छा है उसका मन अशांत रहेगा। लोग संतों की भी निंदा करते हैं, मेरी निंदा करे तो क्या हर्ज है, मेरे में तो बहुत दोष है। आप सहन करो, जो सहन करता है उसके पक्ष में भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गाली देने वाले शिशुपाल के साथ भी प्रेम करते। ज्यादा तो क्या कहे, एक बार भृगु ऋषि को ऐसी इच्छा हुई, वो देवों की परीक्षा करता। देवों की परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि निकले हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण शयन करते। लक्ष्मी जी चरण की सेवा में भृगु ऋषि परीक्षा करने के लिए आए थे। भृगु ऋषि को बड़ा बुरा लगा, जब जाओ तभी स्वयं मिल लेते, लक्ष्मी जी चरण की सेवा करती है। भृगु ऋषि को बुरा लगा, दौड़ते हुए गए और नारायण के छाती में नाक मारी। भगवान जागते, भगवान ने भृगु ऋषि को वंदन किया और कहा, मेरी छाती बहुत कठिन है, आपके चरण तो बहुत ही कोमल है, आपको ही परिश्रम हुआ होगा, मैं आपके चरण की सेवा करता। छाती में जो लात मारता उसके साथ प्रेम किया है, सिर धक्को धक्का लग जावे तो मानव को सहन नहीं होता, इसने मेरे को धक्का मारा। कितने लोग तो याद रखते हैं, कोई समय आ जावे तो मैं उसको धक्का मार के आगे जाऊंगा। छाती में लात मारी है, भगवान सहन करते। भृगु ऋषि की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, यह ब्राह्मण बड़ा उद्धत है, घमंडी है, इसको सजा करो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण की पूजा होती है, सजा करनी नहीं, मैं पूजा करूंगा। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा, ये कैसा उद्धत ब्राह्मण है, ऐसी कोई परीक्षा होती है? उस दिन से लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया है, मैं किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाऊंगी, क्षत्रिय और वैश्य के घर में नहीं जाऊंगी। प्राय लक्ष्मी जी क्षत्रियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ जाती है, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाती है। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया, ये ब्राह्मण उद्धत है, दक्षिण भारत में कोल्हापुर है, कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का सिद्ध पीठ है। कोल्हापुर में अकेली माता महालक्ष्मी जी विराजमान है, नारायण साथ में नहीं है। वहां के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, भृगु ऋषि ने छाती में लात मारी तब लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम छोड़ करके यहाँ आई है, ब्राह्मण के ऊपर क्रोध किया। एक ब्राह्मण ने मेरे मालिक के छाती में लात मारी। कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का जो स्वरूप है, सौम्य और शांत स्वरूप नहीं है, उग्र स्वरूप है, क्रोध में मां आई है। मां को क्रोध आया है, एक ब्राह्मण है मेरे भगवान के छाती में लात मारे। लक्ष्मी जी ब्राह्मणों की भले उपेक्षा करे, नारायण ब्राह्मणों के साथ प्रेम करते हैं। जगत के इतिहास में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता, जो छाती में लात मारता है उसके साथ भी प्रेम करता।